किसी जहाज के डूबने के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें पहला कारण है जहाज का टकरा जाना या ग्राउंडिंग हो जाना, यानी जहाज के सबसे निचले भाग का समुद्र के तले पे पहुंच जाने या उसके किसी स्ट्रक्चरल ढांचे के टूट फूट या वेल्डिंग के निकल जाने से जहाज का हल रप्चर हो जाता है, जिसके वजह से पानी जहाज के अंदर घुसने लग जाता है और जहाज समुद्र में डूब जाता है। जहाज डूबने का दूसरा कारण है पलटना। जब जहाज में लिस्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि जहाज जब एक तरफ से झुक जाता है तो उसमें आसानी से पानी घुसने लग जाता है, जो जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। और जहाज एक तरफ झुकने का कारण यह है, कार्गो के लोडिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पर वजन दोनों तरफ यानी पोर्ट और स्टारबोर्ड बराबर नहीं रख पाना, एक तरफ ज़्यादा हो जाना, दूसरी तरफ बहुत कम वजन हो जाना, या फिर मौसम बहुत ख़राब हो जाने से भी जहाज के लिस्ट होने या अनस्टेबल होने का कारण बन जाता है। जहाज डूबने का तीसरा कारण है ओवरलोडिंग। जहाज के क्षमता से ज़्यादा उसमें कार्गो लोड कर देने से उसका फ्रीबोर्ड घट जाता है। फ्रीबोर्ड का मतलब है कि शिप साइड के वाटर लाइन और डेक लेवल के बीच की दूरी कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जहाज समुद्र के लहरों और उसके पानी के दबाव के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, जो जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जहाज डूबने का चौथा कारण है फाउंडरिंग। जब तेज तूफानी हवा और सी सर्जिंग के उफनते ऊंची ऊंची लहरों के चपेट में आ जाता है तो वह जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जहाज डूबने का पांचवा कारण है स्ट्रक्चरल फेलियर। शिप साइड या हल्का कोई वेल्डिंग निकल जाने या जंग लगने से टूट जाने से पानी जहाज में भर जाता है, जो जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जहाज डूबने का छठा कारण है आग लगना या विस्फोट होना। जहाज पर आग लगने या विस्फोट होने से शिप साइड या हल्का कोई ढांचा फट जाता है, जिससे पानी इंजन रूम या टैंकों में भर जाता है, जिससे जहाज डूब जाता है। सातवां कारण है आइसबर्ग या चट्टान से टकरा जाना। आइसबर्ग या तैरते या आधे डूबे कोई ठोस पदार्थ या चट्टान से टकरा जाने पर हल फट जाता है, जिससे फ्लडिंग के कारण जहाज तेजी से डूब जाता है।